राग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है, वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। छह इसमें ढाल है, चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, बारवा नंबर छंद, जिसमें देख रहे थे दिग व्रत के बारे में और देश व्रत के बारे में। दिग व्रत 11वें छंद की लास्ट लाइन में था और देश व्रत जो है 12वें छंद की दो लाइनों में था, जिसमें बताया गया था कि जो जीवन पर्यंत अपन ने दिग व्रत लिया है उसी में और सीमा बनाना प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की, उसे दिग व्रत देश व्रत कहते हैं। दिग व्रत और देश व्रत में क्या अंतर होता है थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, दिग व्रत और देश व्रत में अंतर। दिग व्रत जीवन पर्यंत के लिए सीमा जो बनती है वो दिग व्रत की होती है। देश व्रत कुछ समय के लिए दिग व्रत की सीमा के और अंदर की जो सीमा है वह है देश व्रत। पूर्ण भाव के लिए स्थायी रहती है ये दिग्व्रत की सीमा, और देशव्रत की सीमा समय सीमा के बाद बदला जा सकता है। दिग्व्रत में इसके आधार पर देशव्रत की सीमा होती है। देशव्रत की सीमा होनी है तो दिग्व्रत होना जरूरी है। देशव्रत में इसके आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती है। और भी अंतर हैं, सीमा अपने देश पर्यंत विस्तृत भी हो सकती है, लेकिन देश व्रत में अपने बैठने मात्र स्थान तक संकुचित हो सकती है। आप अपने जहाँ स्थान बैठे हुए हैं वहाँ तक संकुचित होकर के हो सकती है। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत होने से विवेक जागृति अधिक चाहिए, क्योंकि जीवन पर्यंत के लिए है तो उसमें विवेक जागृति अवश्य चाहिए। देश व्रत कुछ काल के लिए होने से विशेष आकुलता का अवसर नहीं मिलता है। दिग व्रत सभी आचार गुण व्रत में गिनते हैं देश व्रत को, किंतु देश व्रत किन्हीं ने शिक्षा व्रतों में भी गिना है। जो ये दिग व्रत है इसे गुण व्रत में ही गिनते हैं, लेकिन जो देश व्रत है उसे किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने शिक्षा व्रत में भी इसे ग्रहण किया है। ये तमाम जो अंतर हैं इनके माध्यम से हम दिग व्रत और देश व्रत में समझ सकते हैं। मतलब यही है कि जो जीवन पर्यंत के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती हैं वो दिग व्रत है, और जो काल पर्यंत के लिए सीमाओं का निर्धारण किया जाता है वह देश व्रत है। दोनों ही व्रत जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अब गुण व्रत का जो तीसरा व्रत है, अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ जो हमारे प्रयोजन भूत नहीं है, ऐसा जो मन वचन काय की क्रिया है, दंड मतलब मन वचन काय का जो आपकी अभिव्यक्ति है प्रतिक्रिया है उसका त्याग करना। देखो, प्रयोजन भूत मन वचन कार्य के कार्य करना आपको आवश्यक है, लेकिन जो प्रयोजन भूत ही नहीं हैं ऐसे कार्य जो हैं वो अनर्थ कहलाते हैं। अर्थ भूत और अनर्थ भूत, अर्थ भूत तो हैं प्रयोजन भूत, और अनर्थ भूत क्या है, जो प्रयोजन भूत नहीं हैं वो अनर्थ कहलाते हैं। ऐसे व्रतों को धारण करने से हमारे जितने भी अनर्थकार हैं वो क्या होते हैं, छूट जाते हैं। अब आगे जो बारवा नंबर का जो छंद था उसकी जो दो लाइन बची हुई हैं उत्तरार्थ की, उन दो लाइनों में अनर्थ दंड की बातें होंगी।
अनर्थ दंड त्याग करने की। अनर्थ दंड भी जो है पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पांच प्रकार का। उन्हीं पांच प्रकार के अनर्थ दंड जो त्याग व्रत की बात यहाँ पर की जाएगी। आइए सबसे पहले छंद बारवा का जो दो लाइन है उसका अपन उच्चारण उमागर की आवाज में सुनते हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दिया न सोप देश होय अघवनिज कृषि ते। बहुत सुंदर यह छंद सुनाया, अपनी आवाज में सुनते हैं अपन। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देना सो उपदेश होय अगवनज कृषिते। इन दो लाइनों के माध्यम से दो प्रकार के अनर्थ दंड बताए, एक तो अपध्यान और दूसरा जो है पाप उपदेश। ये दो अनर्थ दंड त्याग करना चाहिए। पहले इसका अर्थ समझते हैं एक एक शब्द का। काहू की मतलब किसी के, धन हानि धन के नाश का, किसी के जय हार, जय मतलब विजय का और हार मतलब किसी की हार का। ना चिंते विचार ना करना, किसी की हार जीत के विचार नहीं करना। वनज और देना सो उपदेश, देना ऐसा ना देना उपदेश जो होए अघ पाप, पाप का कारण हो ऐसा उपदेश नहीं देना है। जैसे वनज कृषि दे, वनज मतलब व्यापार, कृषि ते मतलब खेती से, मतलब ऐसे व्यापार और खेती का जिससे पाप उत्पन्न होता है, वो ऐसे देना सो उपदेश, वह उपदेश ना दे जिससे होए पैदा हो, क्या पैदा हो? अघ पाप। ऐसे वनज व्यापार और कृषि ते खेती से, तो जिन कार्यों से बहुत पाप होते हैं उनका भी उपदेश यहाँ पर नहीं देना है। इन दो लाइनों में काहू की धनहानि किसी की जय हार न चिंते, मतलब किसी के धन का नाश हो जाए इसके बारे में भी चिंतन नहीं करना है, और किसी की जय हार, किसी का जय किसी का पराजय ऐसा हो इसके बारे में भी चिंतन नहीं करना है। ऐसा करना अपध्यान है। अपध्यान का मतलब होता है खोटा ध्यान, ऐसा खोटा ध्यान जिस ध्यान से पाप का आश्रय होता है। देखिए आपके सोचने से किसी की धन की हानि नहीं हो जाएगी, किसी का पुण्य छीन नहीं हो जाएगा, आपके चिंतन करने से किसी का जय और किसी का पराजय नहीं हो जाएगा। सब कुछ सामने वाले व्यक्ति के अपने पाप पुण्य के उदय पर डिपेंड होता है। सामने वाले का यदि पुण्य का उदय है तो उसकी जय होगी, पाप का उदय है तो पराजय हो जाएगी। लेकिन आप दिन रात 24 घंटे ये हार जाए और ये ऊंचा ना उठ पाए ऐसा सोचते रहो, और ये क्यों ऊंचा उठ रहा है, आप बुरी भावनाओं को लेकर के बैठे रहो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आचार्यों ने कहा है कि पुण्यात्मा जीव का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और पापात्मा जीव को कोई सहारा दे नहीं सकता है। पाप कर्म का उदय है तो अपने भी जो हैं पराय हो जाते हैं, और पुण्य का उदय है तो जो परिचित नहीं हैं, अपरिचित हैं, वो भी परिचितवान बन जाते हैं। इसलिए ना चिंते, आप ऐसा खोटा ध्यान मत करो। अच्छा, इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? क्या खोटे चिंतन से आत्मकल्याण हो रहा है, आत्मोद्धार हो रहा है? क्या कर्म की निर्जरा हो रही है? क्या मेरे जीवन में सुकून पैदा हो रहा है? क्या खुशी मिल रही है? क्या मेरा मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। यद्यपि
ऐसे चिंतन से आपको उस समय लगता होगा मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी का धन नाश, किसी का मकान नाश, किसी की जमीन का नाश हो जाए, परिवार का नाश हो जाए, उसका व्यापार बंद हो जाए, उसको बहुत बीमारियां हो जाएं, मतलब इतना खोटा चिंतन, इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन किस बात की है जीवन में? ये सब अनर्थ दंड है। आचार्य भगवान और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं किसी के बुरा सोचोगे तो सामने वाले का बुरा हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन बुरा सोचने वाले का नियम से बुरा होगा ही होगा। हाथ में यदि आप किसी को काला पोतने के लिए आपने हाथ में लिया कि उसके चेहरे को हम काला कर दें, तो सबसे पहले आपका हाथ काला होता है, सामने वाले का चेहरा काला हो ना हो जरूरी नहीं है। आप अंगार उठा करके किसी के ऊपर फेंकते हैं तो सामने वाले का पुण्य हो ना जले, लेकिन आपका हाथ तो जल ही जाता है, ठीक है ना। यदि आप किसी के सामने एक उंगली उठाते हो तो ये तीन उंगलियां जो हैं आपकी तरफ भी आती हैं, इसका मतलब आप जो हैं उल्टा आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए यहाँ पर आपको पाप से बचाने के लिए जो श्रावक है वो श्रावकों के बीच में रहता है, समूह के साथ रहता है, और ये जीवन जीने की शैली सिखाई गई है कि इस प्रकार का अपद ध्यान मत करो। आप घर में बैठते हो, परिवार में रहते हो, रिश्तेदार रहते हैं, कोई किसी को उठता हुआ नहीं देख पाता है, लेकिन जब गुण व्रत ले लेता है तो ये नियम ले लेता है कि भैया सब अपने पुरुषार्थ और अपने भाग से जीवन जीते हैं, मेरा उसमें क्या है, मैं किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा कैसे सोचूं? मैं तो सिर्फ अपने वीतराग भावों को जीवन में पैदा करूं, यही बात कर सकता हूं, या प्रार्थना कर सकता हूं और ध्यान कर सकता हूं, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माओं का उद्धार हो। तो काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, किसी की हानि के बारे में और किसी के जीत के बारे में और किसी के हार के बारे में मत चिंतन करो। आप सब लोग खेल भी खेलते हो, खेल को देखते भी हो, तो खेल को खेल की तरीके से देखो, करो, सुनो, लेकिन उसमें ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका ऐसा हो जाएगा, उसका वैसा हो जाएगा, नहीं, इस प्रकार से मत करो, ठीक है ना। ना दे उपदेश, देना सो उपदेश होए अगवनज कृषि दे। आपको ऐसा भी उपदेश नहीं देना है जो पाप कारक हो। पापोपदेश अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड है पाप का उपदेश देना। बैठे बैठाए कितने पाप का उपदेश दे देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है उस पाप में लग जाता है, उसका जीवन तो गया, लेकिन आपके निमित्त से हुआ, इसलिए आपको भी उसमें क्या है, पाप के सहभागी बनना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार का उपदेश ना दें। और भी तीन और हैं ये अनर्दंड की बातें, आइए छंद नंबर जो 13 है वो सुनते हैं अपन उमा गर्ग की आवाज़ में। अपनी जिनवाणी में निकाल लीजिए 13 नंबर का छंद, पूरा का पूरा छंद सुनते हैं। करी प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कबहु न सुने जे, और अहु अनरथ दंड हेतु अघ तिन्हें न की जे। बहुत बढ़िया छंद है, इसमें जो और भी बातें कही गई हैं अनर्थ दंड की, देखिए क्या लिखा है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनी जे, और हूँ
अनर्थ दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। कर प्रमाद, प्रमाद से जल, जल कायक भूमि पृथ्वी कायक वृक्ष वनस्पति कायक पावक अग्नि कायक जीवों का ना विराधे घात ना करना, ठीक है ना। इस लाइन का अर्थ हो गया मतलब प्रमाद चर्या, प्रमाद की चर्या यदि करते हैं तो वो अनर्दंड है, ऐसा ना करें। असी तलवार धनु धनुष हल हिंसोपकरण हिंसा होने में कारणभूत पदार्थों को नहीं दे, नहीं देना यश लाधे नहीं देना और ऐसा करके यश की चिंता नहीं करना। लाधे लेना, लाधे मतलब लेना, यश लेना नहीं दे ऐसा नहीं देना और दे करके यश लाधे यश लेना। राग द्वेष करतार, राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कहानी कभू ना सुनीजे, कभू कभी भी ना सुनीजे नहीं सुनना। औरहु और भी अनर्थ दंड हैं हेतु अघ हेतु, अघ मतलब पाप के कारण, तिन्हें उन्हें भी ना कीजिए नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर चारों लाइनों में अनर्थ दंड की बातें की गई। ऊपर की जो तीन लाइन हैं उनमें पहली लाइन में प्रमादचर्या अनर्थ दंड का त्याग बताया है, दूसरी लाइन में हिंसोपकरण नाम का जो अनर्थ दंड है उसकी त्याग की बात की गई है, और जो पांचवी तीसरी लाइन है उसमें राग द्वेष करतार कथा कभू न कीजिए दुःश्रुति अनर्थ दंड त्याग की बात की गई है इस प्रकार से। और जो चौथी नंबर की जो लाइन है उसमें लास्ट में कह दिया इसके अलावा भी और भी कोई अनर्थ दंड वाली बातें हैं, चर्चाएं हैं, क्रियाएं हैं, उसे भी आपको नहीं करनी है। यह छंद का आपको अर्थ समझ में आया, और भी इसके बारे में जो विशेष चर्चा होगी वो कल करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनॉट प्लेस नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाड़ा दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली, जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।